आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लोकार्पण, पीएम ने लगाई गंगा में डुबकी। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज। भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ थी आपत्तिजनक टिप्पणी। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, चुनाव जीतने के लिए कभी शोपीस नहीं बनूंगा, सत्ता के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। सीबीएसई की 10वीं की अंग्रेजी परीक्षा पेपर का विवाद, प्रियंका ने उठाया सवाल, बोर्ड ने मामले में विशेषज्ञ के पास भेजा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बोले, वेटिकन व मक्का की तर्ज पर होगा राम जन्मभूमि तीर्थ का विकास। तेजस्वी तेज प्रताप पर भड़के साधु, बोले मेरे पास कोलकाता और आंध्र प्रदेश से आ गई है तस्वीरें, खोल दूंगा सबकी पोल। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री समेत दिग्गजों ने दी अंतिम विदाई। यूपी में आरा मशीनों के लाइसेंस रद्द करने के मामले, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नोटिस। अंग्रेजों ने मुस्लिम रेजिमेंट नहीं बनाई, हम भी छाटेंगे हिंदुस्तान में किसको रहना है, नरेश अग्रवाल ने कहा। पंजाब चुनाव में गैर जट सिख समुदाय निर्णायक फैक्टर, कांग्रेस नेता की सोनिया गांधी को सलाह। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए 5 मध्य एशियाई देशों को भारत ने भेजा न्योता। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो, रिकॉर्ड करने वाले शख्स से भी पूछताछ। एशिया में 14 सबसे ताकतवर देश भारत, यूएस नंबर चीन हो रहा कमजोर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गया के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका ने कूड़ेदान में फेंका किया, हिंदू संगठन ने काटा बवाल, थाने का किया घेराव। डेल्टा से तेज फैलता है ओमिक्रॉन, वैक्सीन के प्रभाव को करता है कम, डब्ल्यूएचओ ने किया खुलासा। स्वामी वासुदेवानंद काशी व अयोध्या के विकास पर बोले, लंबे संघर्ष बाद सनातन धर्म के अच्छे दिन आए। बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गे महेंद्र प्रताप की लखनऊ में गोली मारकर हत्या, बदमाश हुए फरार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण, बोले 2017 से पहले खा जाते थे माफिया। बुलंदशहर के लाल ने किया कमाल, एशियन रोइंग में ओलंपियन अरविंद ने जीता गोल्ड, खुशी से झूमा गांव। लखनऊ में शुरू हुआ ईट राइट मेला, रिवर फ्रंट पर ले पाएंगे स्वादिष्ट व सेहतमंद व्यंजनों का स्वाद।
आगरा में सिलेंडर लीकेज के चलते हादसा, 6 लोग बुरी तरह से झुलसे। अलीगढ़ में ओमिक्रॉन के बीच होगा नुमाइश का शुभारंभ, प्रशासन की लापरवाही उजागर। चंदौली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दौरा, विपक्ष पर बोला जमकर हमला। फरुखाबाद में ससुराल जा रही विवाहिता ने पिया जहर, विवाहिता की हालत गंभीर। गोरखपुर में विश्वविद्यालय गेट पर छात्रों का धरना जारी, मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन। कानपुर में जीआईसी ग्राउंड में जमकर गरजे ओवैसी, दलों पर जमकर साधा निशाना। कौशाम्बी में चाल संजय कुमार पर जानलेवा हमला, कौशाम्बी के थाना प्रयागराज की घटना। लखनऊ में युवक पर जानलेवा हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में सरकार ने ग्राहकों को बांटा डबल राशन, कोटेदार की समस्या को दी गई प्राथमिकता। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बवाल, शराबी ने जमकर काटा बवाल, पूरे अस्पताल में किया हाई वोल्टेज ड्रामा। फतेहपुर में वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या, हत्या की सूचना से इलाके में मचा हड़कंप, सूचना पर मौके पुलिस। लखनऊ में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, बदमाशों ने युवक के सर के पास मारी गोली, युवक की मौके पर हुई मौत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास हादसा में मऊ में स्कूली बस पलटी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दो दिन के लिए बदली गई वाराणसी की यातायात व्यवस्था, कई मार्गों पर आवागमन ठप। गुलरेहा इलाके की महिला को फोन पर परेशान कर रहा था शोहदा, महिला ने मीठी बातें कर बुलाया, सहेलियों के साथ मिलकर की पिटाई। तिवारी कुंबे के सफाई होने पर मंत्री ब्रजेश पाठक बोले, माफियावादी पार्टी होना चाहिए समाजवादी पार्टी का नाम। बसपा मुखिया मायावती बोली, बसपा सरकार के कार्यालय में रखा गया किसानों का पूरा ध्यान। कैराना में भाकियों की किसान महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, पंजाब के लोगों में है आंदोलन चलाने का सिस्टम। शाहजहांपुर पुलिस ने एसओ के साथ मिलकर मुठभेड़, चार बदमाश किए गिरफ्तार, घटनाओं का हुआ राजफाश। लखनऊ में मामूली बात पर लोहे की रॉड से युवक का सिर फोड़ा, एसजीपीजीआई में ट्रामा में भर्ती। महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा, लखनऊ को बनाने हैं गार्बेज फ्री सिटी, महिलाओं का अपना बाजार।
अमेठी में फिर चढ़ेगा सियासी पारा, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा का दो दिवसीय दौरा 18 से। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश पर तीखा तंज, कहा चांद पर पहुंचे पहले व्यक्ति को समाजवादी ना बता दे। यूपी के राज्य कर्मचारियों को सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जल्द शुरू हो की कैशलेस इलाज की सुविधा। यूपी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब विधवाओं को वरीयता, वर्ष 2022 से लागू होंगे नियम। बाजपुर में याचिकाकर्ता केमली के मारने की धमकी, स्टोन क्रेशर स्वामी के गुर्गों पर लगा आरोप। बाजपुर में आंदोलनकारी किसानों का जोरदार स्वागत, भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह रहे मौजूद। चमोली में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन, नंदा देवी स्की स्लोप पर होंगे विंटर गेम्स। हरिद्वार में दबंगों ने किया जमीन पर कब्जा, पीड़िता ने लगाया मारपीट का आरोप। सितारगंज में महिला ने की फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश, सितारगंज विधानसभा के ग्रामपाल नगर की घटना। सितारगंज में किसान फतेह मार्च का स्वागत, फूलमाला पहनाकर हुआ जोरदार स्वागत। कालाडुंडी में कृषि बिल वापसी पर जश्न, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता हरबंस कपूर का निधन, सीएम धामी समेत कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि, दून में सार्वजनिक अवकाश। उत्तराखंड में ग्रामीणों ने एनएच 121 किया जाम, कपकपाती ठंड में भी सुबह 4 बजे से डटे धरने पर। नेपाल सीमा के अस्पताल में 27 साल बाद चिकित्सक तैनात, 20,000 की आबादी होगी लाभान्वित। केदारनाथ बनेगा प्लास्टिक फ्री जोन, श्रद्धालुओं को दी जाएंगी तांबे की बोतलें, यहां के शिल्पी करेंगे निर्माण। मध्य प्रदेश के चिड़िया गिरोह के 5 सदस्य देहरादून में गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश दिल्ली समेत इन राज्यों में कर चुके हैं वारदात। पहाड़ की ढलान पर पानी रोक, जंगल को बचाने कवायद, चंदन नयाल ने तय किया 200 ट्रंच वियर बनाने का लक्ष्य। वीकेंड मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, दिन भर रहा जाम, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी है बेस्ट स्पॉट। देहरादून में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार पर चढ़ाई कार, फिर कई गाड़ियों को मारी टक्कर। सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराए भारत, एक्सक्यूएम नेता अल्ताफ हुसैन की अपील। नेतन्याहू के परिवार को दी जाने वाली सुरक्षा हटाएगा इजराइल, ड्राइवर और कार को भी वापस लेगा।
इमरान खान ने भारत के खिलाफ फिर खोली जुबान। आरएसएस की भारत के 50-60 करोड़ अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। अमेरिका का डिजाइन चुरा, चीन बना रहा सुपर प्लेन, एक घंटे में करवा देगा दुनिया की सैर। दुबई दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार, 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर की होगी बचत। फताली बेनेट ने दुबई पहुंचकर रचा इतिहास। फताली बेनेट ने दुबई पहुंचकर रचा है इतिहास। किसी इजराइल पीएम की है ये पहली ऑफिशियल यूएई विजिट। दक्षिण अफ्रीका में रिकॉर्ड मामले हुए दर्ज, राष्ट्रपति रामफोसा आए कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका में तबाही मचाने के बाद कनाडा पहुंचे चक्रवात, अंधेरे में डूबे लाखों घर, बाइडेन ने चेतावनी प्रणाली पर उठाए सवाल। कोरिया में ओमिक्रॉन का पता लगाने की नई तकनीक विकसित, 20 मिनट में पूरी होगी जांच। चीन में कोरोना से फिर लॉकडाउन, झेजियांग में ही 74 नए संक्रमित। घर खरीदारों के लिए खुशखबरी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने घटाई होम लोन्स पर ब्याज दर। नौकरी तलाशने वालों के लिए खुशखबरी, कॉमविवा करेगी 600 लोगों की भर्ती। आरबीआई गवर्नर ने डिपॉजिटर्स को किया अलर्ट, कहा हाई रिटर्न पाने की इच्छा के साथ सतर्कता जरूरी। गोल्ड ईटीएफ में बड़ा निवेशकों का रुझान, नंबर 683 करोड़ का निवेश आया। अशोक होटल को बेचने पूरी योजना तैयार, सरकार 60 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट सेक्टर को देगी। आईटी नियमों का असर, मीटा और व्हाट्सएप भारत में तलाश रहे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। रिजर्व बैंक ने किया आगाह, कहा ज्यादा रिटर्न पाने की चाहत रखने वाले सावधान, ज्यादा ब्याज के साथ जोखिम भी ज्यादा। अमेजॉन पर गांजा बिक्री के मामले में एसआईटी का गठन, कैट ने किया स्वागत। प्यासी यूनिकॉर्न ने जुटाया अब तक का 38.4 अरब डॉलर, इस साल 40 कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में हुई शामिल। एमजी मोटर इंडिया की ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका के बाजारों में निर्यात की योजना। वेंकटेश अय्यर का थलाइवी स्टाइल डांस, विजय हजारे ट्रॉफी में शतक लगाकर मनाया अनूठा जश्न, 10 छक्के और 8 चौके झड़कर 151 बनाए रन। डब्ल्यूटीसी में भारत पाकिस्तान के नुकसान, पहले एशियन टेस्ट में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर पहुंचा, भारत पाक एक एक रैंक फिसले। बाते मूल की नीली बेंदापुड़ी में यूएस में रचा इतिहास, बनेगी पेंटेन स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष।
ओमिक्रॉन खतरे के बीच कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज को डॉक्टर एंटी फाउसी ने बताया सबसे अहम। अमेरिका में विनाशकारी बवंडर ने मचाई तबाही, बिखरे मलबे में तलाशी अभियान जारी, लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। विराट कोहली को लेकर पहली बार बोले रोहित शर्मा, कहा उन्होंने टीम इंडिया को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, एडिलेड टेस्ट से पहले बाहर हुए जोश हेजलवुड। काबा टेस्ट से पहले ग्लेन मैकग्रा के साथ अजीब पल का स्टुअर्ट ब्रॉड ने किया खुलासा। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए ऋतुराज गायकवाड और वेंकटेश अय्यर का वनडे टीम में चयन लगभग पक्का, धवन को मिल सकता है आखिरी मौका। आंद्रे रसेल ने आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलिया में किया धमाका, 6 गेंद पर बनाए 34 रन। बॉबी डार्लिंग की ख्वाहिश बायोपिक बने तो आयुष्मान ने भाई मेरा किरदार, स्ट्रगल से भरी है लाइफ। डेविड वार्नर ने पुष्पा के सॉन्ग पर किया डांस, हैरान हुए कोहली और अल्लू अर्जुन ने किया रिएक्ट। सलमान खान ने लगाई करण कुंद्रा को फटकार, बोले तुम तेजस्वी की जिंदगी खराब कर दोगे। पवन देव राजन के फुर्सत का टीजर आउट, सॉन्ग लॉन्च इवेंट में शामिल नहीं होगी अरुणिता कांजिलाल। भारत की हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021, दक्षिण अफ्रीका की कंटेस्टेंट को हराकर मिस यूनिवर्स का ताज किया है अपने नाम। पच्चीस साल की एक्ट्रेस गिरफ्तार, नाबालिग नौकरानी के कपड़े उतरवाकर सैंडल से पीटने का लगा आरोप। टर्मिनेटर बना रजनी का फैन, हर वजन के सीने पर रजनीकांत का टैटू बनवाया, सुपरस्टार के बर्थडे विश कर लिखा आप मेरे दिल में हो। ऋतिक रोशन ने चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए आयुष्मान खुराना की करी तारीफ, बोले मुझे इंस्पायर करने के लिए धन्यवाद। मेहंदी सेरेमनी में पति और ससुर के साथ जमकर नाची कैटरीना, वीकेंड ने फोटो शेयर किए। हरनाज संधू ने जताया देशवासियों का आभार, बोली भारत को ताज दिलाने का गर्व है पल। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।